नमस्कार दोस्तों, ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट टू है, क्योंकि इससे पहले हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ द हिस्ट्री। जैसे आप सबको पता है, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। बट आज हम यहाँ बात करेंगे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को आखिर कैसे याद किया जाए, कैसे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजों को हम याद रख सकें, वो भी लॉन्ग टाइम तक, और कैसे इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स लाए जाए। और ये आपने वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, कोई भी स्किप मत मारना, क्योंकि आपको फिर मेन चीज समझ नहीं आएगी। हिस्ट्री के अंदर चेंजेस, यस, हिस्ट्री में मेन आपने जो चीजें याद रखनी है, जैसे कि हम हमेशा, आप सबको पता होगा कि हिस्ट्री में चेंजेस ही है जो हमेशा आपने फॉलो करने हैं। और आपकी लाइफ में जो भी कोई आपने इंसिडेंट देखा, जो भी आपकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ, उसके बेस पर आपने उन चीजों को हिस्ट्री से अटैच कर देना है। अगर यहां पर बात की जाए अकबर की, तो आप ये सपोज कीजिए, आप अगर आप अकबर होते और उस प्रॉब्लम में या किसी वॉर में आप फंसे होते, तो उस टाइम आप क्या करते? तो अब ऐसा लगता है कि आप इस तरीके से हिस्ट्री सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझोगे और आपको ये ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने इस तरीके से अपनी लाइफ में चीजों को जोड़ना है हिस्ट्री सब्जेक्ट से। मेन बच्चे सोचते हैं डेट्स किस तरीके से याद किया जाए। डेट्स को याद ही नहीं करना, क्योंकि डेट्स जो है वो किसी दो टाइम पीरियड को आपस में कोरिलेट करेगा, वो जोड़ेगा, चाहे पानीपत का फर्स्ट वार हो वो किस तरीके से इंपोर्टेंट था, पानीपत का सेकंड वॉर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर होते हैं, चाहे त्राइन का फर्स्ट वार हो, सेकंड वार हो, या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो, या महात्मा गांधी की बात हो, ये वो पीरियड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपकी लाइफ में आपका बर्थ डेट, बर्थ ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपकी लाइफ स्टार्ट हुई। ठीक वैसे हिस्ट्री में वो आप जो डेट देखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से पूरा एक ईरा चेंज हो रहा होता है, इसलिए वो डेट्स हैं। तो आपने उन डेट्स का भी बहुत ध्यान रखना है। बात आती है कि इसको किस तरीके से और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और आप बिल्कुल कम से कम टाइम में, मतलब जैसे रोबोट मूवी के अंदर रजनीकांत एक तरीके से देखता है और पूरी बुक याद हो जाती है, ठीक वैसा हम तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट रोबोट, बट हाँ इस तरीके से इसको भी याद किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं नमेनिक्स। अब हम चलते हैं कुछ नमेनिक्स पर, और आप इस तरीके से हर लेसन को, चाहे वो हिस्ट्री ही नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट को आप इसमें डाल सकते हैं। चूंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो हिस्ट्री का चल रहा है, तो मैं आपको हिस्ट्री के नमेनिक्स बताऊंगा, और आप हर लेसन के नमेनिक्स याद कर सकते हो। पूरा पूरा लेसन आप एक लाइन के अंदर कर सकते हो और वो पूरा आपका लेसन तैयार हो जाएगा। नमेनिक्स का मतलब ही है किसी चीजों को याद करने का सरल तरीका, कोई स्पेलिंग हो या कोई इंसिडेंट हो किस तरीके से। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट इसकी ओर, अब हम चलते हैं रावण का पाकोन। अगर आप इसकी बात करें रावण के पाकोन की, इसके अंदर आपको टोटल मेन चीजें क्या मिलेंगी, ये हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। मैंने जान करके आपको ये लाइन बताई क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके जो बुद्धिज्म है टोटली अगर बात की जाए वो दो लाइंस पे है, एक तो रावण का पाकोन और दूसरे की बात की जाए तो वो है वीर भी, शक्तिशाली भी, और राजा भी, और रंग भी। इन दो लाइन में पूरा बुद्धिज्म खत्म हो जाएगा। अगर आपको, इफ यू नो दीज टू लाइंस, देन यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पार्टिकुलर लेसन। जी हाँ, पहले मैं यहां पर एक बात ही बताऊंगा इसकी, रावण का पाकोन। देखो जो बुद्धिज्म की चार कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी लाइफ में, जो समिट हुई है, जो शिखर सम्मेलन हुए हैं, पहला, इसी लाइन के और डीपली जाएंगे तो हमें सब चीजें पता चलने लग जाएंगी। जैसे फर्स्ट जो बोध समिट हुई वो ही आपकी राजगीर में, यस, राजगीर में फर्स्ट बोध समिट हुई। सेकंड वन में आपको वी की फीलिंग आ रही है, तो सेकंड कहां बोध कॉन्फ्रेंस हुई, वैशाली, ये देखिए सेकंड हुई वैशाली में। अब बात आती है, अब देखिए रावण, अभी मैं इसको पूरा आपको बताऊंगा। थर्ड जो हुई वो कहां हुई, वो हुई पा, मतलब पाटलिपुत्रा, जो कि आज की डेट में जिसे हम पटना बोलते हैं, पाटलिपुत्रा। और फोर्थ कहां हुई, फोर्थ हुई के से कश्मीर, के से ही कुंडलवन, और के से ही कौन सा किंग था उस जमाने में, कनिष्का। आप देखोगे हर चीज के पर बेस्ड है, इसलिए मैंने यहां पर कोन डाला। तो रावण का पाकोन देख सकते हो, बुद्धिज्म की यहां पर बात की जाए, जो बोध कॉन्फ्रेंस है, ये सारी की सारी इस लाइन में आ गई। किस तरीके से नमेनिक कितनी इंपॉर्टेंट है आपके इसके अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सारे मूवीज नेम है। रावण शाहरुख खान की मूवी आई थी, आप देख सकते हो, पा अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी, कौन ये मनोज वाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर की मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी। बट यहां पर मैंने सभी मूवीज नेम लिए क्योंकि हम ज्यादातर मूवीज कभी भूलते नहीं, अगर आप देख ले तो आप में से इसमें से किसी ने किसी पा देखी हो, रावण देखी हो, जरूर मूवी देखी होगी। तो इस तरीके से ये नमेनिक्स है, और ये मैंने बताया बुद्धिज्म के ऊपर। तो ये थी चार बोध कॉन्फ्रेंस नमेनिक्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा सोच सोच के सुकून मिला। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टोटल डिपेंड करती है हमारे किस पे, यस, गुप्ता पीरियड पे। गुप्ता पीरियड का यहां पे मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि हर बच्चा जानता है, क्योंकि इसे क्लासिकल ईरा या गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है इन इंडियन हिस्ट्री,
इंडियन एंशियंट हिस्ट्री। देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर बात की जाए तो ये आएंगे हमारे फर्स्ट, कौन आया? श्री गुप्त। जो गुप्ता डायनेस्टी है वो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई उसका जो फाउंडर माना जाता है वो माना जाता है एज फॉर श्री गुप्ता। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 240 से 280, ये टाइम पीरियड है, ये एडी में आ चुके सब के सब। फिर सेकंड चलते हैं सोच, सेकंड नंबर पे है समुद्र गुप्ता। जी हाँ सॉरी, यहां पे थोड़ी सी गलती हो चुकी है, यहां पे सी एच, ये आ गया हमारा चंद्रगुप्ता। तो यहां पर चंद्रगुप्ता आ चुका है, पहला श्री गुप्ता, दूसरा चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता का टाइम पीरियड 319 से 335। फिर हमारा चलता है यहां पर इससे समुद्रगुप्ता, सबसे फेमस, इसे भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, जैसे सबको पता होगा समुद्रगुप्ता। ये अब फिर चलते हैं हम इसके बाद फोर्थ नंबर पे, समुद्रगुप्ता 335 से 380। अब फिर से यहां पर सोच, ये आप देख सकते हो सेम वर्ड ही आ रहे, चंद्रगुप्ता सेकंड। यस, चंद्रगुप्ता सेकंड, इसका टाइम पीरियड 380 से 415। ये तो सोच के बाद सुकून। अब यहां पे चंद्रगुप्त सेकंड के बाद अगर के की बात की जाए, यहां पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो खाली हो, यहां से आ जाएगा आपका कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता बहुत ही फेमस है, इन्होंने ही क्या किया था, कुमार गुप्ता ने पटना को बसाया था। यस, पटना जो सिटी है वो इन्हीं की बसाई हुई है, इन्होंने बनाया था इस सिटी को। कुमार गुप्ता का जो टाइम पीरियड है वो है 450 to 455। ये देखिए, फिर यहां पर बात की जाए सुकून में के से, कुमार गुप्त हो ही गया है सुकून। यस, एस फोर, ये जो बात की थी हमने एस फोर, ये था स्कंद गुप्ता। सोच के सुकून में एस यू से स्कंद गुप्ता। के फोर बताई चुके हैं हम, स्कंद गुप्ता के बाद कुमार गुप्त, और ये कुमार गुप्त वो है जिसको विष्णु गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। यस, कुमार गुप्ता टू, या इसको विष्णु गुप्त भी बोल दिया गया है। तो इस तरीके से ये नमैनिक से आपके गुप्ता पीरियड के कि किस तरीके से किंग को याद किया जाए, बहुत इजी वे में है, आप इसे कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। यहां पर अब चलते हम नीचे, दफा हो इसे मारकर। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसकी खास बात क्या है, ये जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स थे जब वो इंडिया में, उनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये उसके ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं मेन नमैनिक्स लाया हूं, पूरी हिस्ट्री तो मैं नहीं ला सकता यहां पर, क्योंकि इसके बाद जब हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको एक बारी में ही अगर आपने याद कर लिया तो 10-15 साल तक अभी लाइफ में कभी भूलो ना आप। अब चलते हैं हम सबसे पहले नीचे, दफा हो इसे मारकर। तो ये नीचे मतलब मेगास्थनीज, आप देखोगे जो मेगास्थनीज है, नीज, तो ये मेगास्थनीज है 302 से 298 BC में आया, एंड ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर Who visited in the court of Chandragupta Maurya. तो ये मेगास्थनीज है। इसके बाद अगर यहां पर बात की जाए दफा में, डाइमेकस 248 BC में बिंदुसार के टाइम पीरियड में आया डाइमेकस। यस, ये वही डाइमेकस है बिंदुसार ने जिसके लिए बोला था कि अगर आप अपनी कंट्री जा रहे हो तो मेरे लिए तीन चीज जरूर लेते आना। पहली जो थी वो थी हमारी एक्सपेंसिव वाइन, दूसरा फिग्स जिसे हम बोल देते हैं सूखे अंजीर, और तीसरा फिलोसफर। तो डाइमेकस जब वापिस आया तो उसने दो चीजें ले आया, लेकिन तीसरी चीज लाने से उसे किंग ने मना कर दिया, वो क्या था? फिलोसफर। जी हाँ, दार्शनिक, उन्होंने बोला जो फिलोसफर है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की चीज नहीं है। तो ये था डाइमेकस। इसके बाद यहां पर बात की जाए हो से हवेनसांग की, थर्ड नंबर पे हवेनसांग जो थे वो 630 में आए। फायान जो आया वो फायान आया 399 में। चंद्रगुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी की बात है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में 399 के अंदर आए AD में। फिर आया हवेनसांग। अब मैक्सिमम ये भूल जाते हैं बच्चे, फायान पहले आया हवेनसांग, फायान तो आया, हवेनसांग किसके टाइम पीरियड में आया? H4 हवेनसांग, और H4 ही क्या, हर्षा, जिसे लास्ट हिंदू किंग भी बोला जाता है। जी हाँ, लेकिन वो पूरे इंडिया किंग नहीं था, तो हर्षा के टाइम पीरियड में आया हवेनसांग। उसके बाद हम चलते हैं इसे बोलते हैं हम इत्सिंग। तो इत्सिंग आया, और लास्ट में आया मार्को 1288 में। कब? चोल चेर पांड्या, आपने जरूर सुना होगा, पांड्या डायनेस्टी में कायाल नाम का किंग था। तो ये वो किंग था
जिसके टाइम पीरियड में ये आया। तो इसका क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर बन चुका है, तो फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट नंबर पे नी से मेगास्थनीज, फिर उसके बाद डाइमेकस, एफ से फायान, हो से हवेनसांग, इससे इत्सिंग, और लास्ट में मार्को 1288। तो ये इस तरीके से ट्रेवलर, जो फॉरेन ट्रेवलर हु केम्स इन इंडिया ड्यूरिंग द डिफरेंट डिफरेंट किंग्स, तो आप इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, बहुत ही इजी वे है। अब हम चलते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग लेसन की ओर, जिसे हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, और ये मैक्सिमम बच्चों का थोड़ा सा पेचीदा लेसन रहा है, याद नहीं हो पाता, लेकिन बहुत इजी है, इसको हम इजी वे में लेकर चलते हैं। हां जी, यहां पर हम बात करते हैं कहां से आई रजिया वह तो अल्लाह ना बोलती। देखिए इस पूरी लाइन के अंदर, जैसे आप सबको पता होगा कि टोटल कितनी डायनेस्टियां थी, सबसे पहले हम डायनेस्टी पे चलते हैं, उसके बाद हम इस नेमेनिक्स पे चलेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टी इसके अंदर आई। देखिए इसके अंदर जो हमें डायनेस्टी मिलती है वो पांच डायनेस्टियां मिलती हैं, गुड खा तसले में। गु गु मतलब गुलाम डायनेस्टी, जिसको इंग्लिश में बोल देंगे हम स्लेव डायनेस्टी। तो सबसे पहली कौन सी डायनेस्टी आई? स्लेव डायनेस्टी आई, स्लेव डायनेस्टी फर्स्ट। सेकंड नंबर की बात की जाए खिलजी, KHILJI, खिलजी डायनेस्टी आई। थर्ड नंबर की यहां पर बात की जाए तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, और लास्ट में लोदी डायनेस्टी। ये पांच डायनेस्टी का सीक्वेंस है, इस लाइन के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। अब आपको मैं एक पूरी लाइन में पहली डायनेस्टी बताता हूं, पूरी इसको डिस्क्राइब करते हैं, जो है हमारी स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश भी बोलते हैं। ये गुलाम क्यों बोला गया? क्योंकि सारे सारी गुलाम थे, स्लेव थे मोहम्मद गोरी के, और जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने बोला जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है या जितना भी मेरा ये एम्पायर है वो सब मेरे स्लेव के पास चला जाए, क्योंकि मेरे अपने तो कोई है नहीं, तो स्लेव सारे संभाल लेंगे। और उनमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आ जाएगा, जो रोल प्ले करेगा, वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, ये दिल्ली सल्तनत में पहला स्लेव डायनेस्टी का किंग है, 1206 to 1210। ये देखिए पहला आएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कहां से आई? दूसरा जो किंग होगा वो होगा आपका आराम शाह, जैसा नाम वैसा काम, 8-10 महीने के लिए गद्दी पर बैठेगा और आराम करता हुआ चल बसेगा। इसकी जो लड़ाई होगी वो होगी इल्तुतमिश के साथ, इल्तुतमिश के साथ वॉर ऑफ जूद, जूद की लड़ाई में इसको इल्तुतमिश हराएगा और खुद गद्दी पर बैठेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट किंग होगा वो होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की सबसे बड़ी खास बात क्या थी? उनकी सबसे बड़ी खास बात थी इल्तुतमिश की कि He was the first legal king of दिल्ली सल्तनत। देखिए जो first king था वो ऑलरेडी कुतुबुद्दीन ऐबक था ये, लेकिन legal king कौन था? Legal king क्योंकि इसको वहां से जो main बात की जाए scroll मिला था, जिसके बाद मतलब ये समझो register था, मोहर लगी हुई थी इसकी इल्तुतमिश की। फिर इल्तुतमिश के बाद next king कौन आया? नेक्स्ट किंग रे से रकनुद्दीन फिरोज। जी हाँ, रकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन जो अमीर थे, जो नोबल थे, उन्होंने इसको मारा। और फिर उसके बाद रजिया सुल्ताना, शी वॉज द फर्स्ट मोमडन लेडी हु डिड सिट ऑन थ्रोन, ये पहली मुस्लिम शासिका थी जो गद्दी पर बैठी। उसके बाद बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद, फिर नासिरुद्दीन महमूद, और फिर लास्ट में बलबन, और सबसे लास्ट में शमशुद्दीन कैमूर्स। तो ये वो है, देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, और फिर इसी लाइन के अंदर हमारा लेसन चलेगा। देखिए यूपीएससी में तो हमको डीप पढ़ना ही पड़ना है, पर एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेमेनिक्स, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी तो हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप जज की तैयारी करोगे, जज ना सही वकील तो बनी जाओगे, तो आपने ये चीजें हमेशा याद रखनी है बच्चों। अब चलते हैं इसके बाद आगे, हमें पता है कि क्या क्या दिक्कतें आई, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती। अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करूं तो मैं जानता हूं क्या क्या रीजन रहे, किस किस तरीके से हमने मेहनत करी और किस तरीके से ये सारी चीजें हमने बनाई, तो इसी तरीके से आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपने जरूर लाइन सुनी होगी या सीरियल भी देखा होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, हम भी कभी स्टूडेंट थे, तो किस तरीके से जो हमने इजी वे में जो हमसे गलतियां हुई वो आप ना करें, इसी वे में हमको ये वीडियो बनाया जा रहा है। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नेमेनिक्स पर। अब हम बात करेंगे मुगल आजम, जी हाँ, मुगल पीरियड की बाबर, यहां पर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि बाबर कौन था। वो हमाम की भी ऐड आती थी ना सब उनकी, कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, मतलब इतने फेमस आदमी है ये। तो किस तरीके से मैं बताता हूं कि इस लाइन के अंदर बाबर ने 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर चला गया। इस पूरी लाइन में बाबर ने अपनी लाइफ में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं उनका सीक्वेंस लगभग आ गया है। तो 1526 में पानी पिया, इट्स मींस पानीपत का फर्स्ट वॉर, ये सबसे बड़ी खास बात थी। 27 में खाना खाया, मतलब खानवा वॉर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वार है ये खानवा। लोग पानीपत के वार को इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट था ये खानवा वॉर। फिर 28 में चांद देखा, मतलब चंदेरी वॉर, चंदेरी वॉर। फिर 29 में घर चला गया, मतलब घाघरा वॉर।
घाघरा वॉर, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर जीता कौन कौन हारा, तो फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ये जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं इनके अंदर सब में बाबर ही कॉन्कर्ड किया था, बाबर ही जीता था, ठीक है। और इस लाइन के अंदर फिर हम डीपली चलेंगे तो उस बाबर की पूरी लाइफ भी चलेगी इन चार लाइनों में, तो ये है इंपॉर्टेंस। उसके बाद चलता हूं मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक, उसके क्योंकि टाइम इज लिमिटेड है, तो आपको मैं नेक्स्ट में जो हमारी मॉडर्न इंडिया की जो क्लास चलेगी उसके अंदर मैं आपको पूरा पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से, आप इतना इजी वे में बताऊंगा कि आप लाइफ में कभी भूल ही ना पाओ, बिल्कुल एक फिल्म स्टाइल में। चलते हैं नेक्स्ट में, लास्ट में कैक, कैक की बात। कैक तो सब बच्चों ने सुना होगा ये लाइन, कैक ये वहां से हम कैक को बनाया हमने, कैक कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। ये जितने भी इंडिया में खर्चे किए जाते हैं तो सब पे ध्यान रखता है कि भैया कोई गलत खर्चा तो नहीं हुआ, ठीक। उसके ऊपर हमने बनाया कैक, ये महात्मा गांधी के ऊपर है कि महात्मा गांधी जब इंडिया में आए तो कौन कौन से मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो सबसे पहला जो इंडिया में उनका मूवमेंट था वो था सी वॉर चंपारण, जी हाँ चंपारण। उसके बाद चंपारण बिहार में पड़ता है आपका, फिर अहमदाबाद, और थर्ड नंबर पे जो था वो था खेड़ा गुजरात में। तो ये कैक बनाया कैक के ऊपर हमने, तो ये था नमेनिक्स। तो ये हमने आपको बताया कि हिस्ट्री को आप किस तरीके से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजों को याद कर सकते हो। इफ यू नो द नमेनिक्स ऑफ एनी पार्टिकुलर लेसन देन यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, या आपका कोई पीसीएस का एग्जाम हो यूपीएससी के अंदर, तो वो आपको एक हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपने वो याद कर लिया तो आपका पूरा लेसन हो गया, क्योंकि उसके में आपने डेप्थ में पढ़ना है बच्चों। तो इस तरीके से था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और स्टडी दर्पण को जितना हो सके उतनी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं था संदीप और आप देख रहे थे स्टडी दर्पण। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।